स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आपका नंबर आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब। बहन जी दोबारा सोच के बोलना है, जो मर्जी नहीं बोलना। ए प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब। तेरे को तो गिफ्ट मिला हुआ है, मिला हुआ है ना, मेरे को पता है, मैं दूंगा तेरे को जब बटेगा। बोला नहीं बहन जी आपने ए प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ते नहीं हो। ए प्लस बी का होल क्यूब, अरे कागज पे लिख के दिया हुआ है, वो जो नया आया है वो भी सुनाने के लिए तैयार है, जिसे क्लास भी अटेंड नहीं करी और वो कह रहा है मैं सुनाऊंगा, और वो अटेंड करने के बाद रामायण में महाभारत लिख के आओगे क्या? हाँ जी ए प्लस बी का होल क्यूब। भैया ये काम खराब है, तुम लिख के दे दिया, रोज डिस्कशन कर रहा हूं, आओ बैठो चुप 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 और बिना सीख के चले जाओ, टाइम पास हो रहा है। लगा दो एक ऊपर की चाबी, लगा दो। कागज दिया था, कहा था पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। मम्मी मना करती है ना, पापा ने मना करा होगा, खुद ही ना लाएगा। कुछ भी ईमानदारी से बोलने के लिए तैयार नहीं। अरे कोशिश होनी चाहिए ना, वो अलग बात है, कुछ गड़बड़ हो जाए तुम तो कुछ बोले ही नहीं, कैसे बात चलेगी? ए प्लस बी का होल क्यूब, हम क्या एक्सरसाइज शुरू कर दिए, फार्मूले लग रहे हैं। अरे जिसको नहीं आते उनको डांट रहा हूं, डांटते तो जरा। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तू ठीक याद कर लियो, जो मैंने वहां लिख के दिए हैं, जो तू सोच रहा था वो नहीं था, नया बच्चा इसलिए मैंने पूछा नहीं तेरे, मुझे पता था तेरा गलत है, ठीक है? तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। याद होगा तो हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पर जाएंगे ना, अब याद ही नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा ना। तो हमारी तीन दिन की क्लास जो हम छह दिन करके प्रैक्टिस ज्यादा करके और अपने स्कूल में टॉप करने की बात कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। और थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं, तो अब की बात नंबर है इस भाई का ए प्लस बी प्लस सी का बी प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा अंदर हो जाओ जी, बार बार धक्का मारने का साथ साथ। खाना तीन तीन बार खाता है, कल सुना देगा, जान निकल गुस्सा करना पड़ता है। हाँ जी गुस्सा रहा है, सुन नहीं रहा, लेकिन आपसे अब सुनाओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको बताना है फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस ए बी, प्लस ए भी था, क्या था आपका नंबर आ गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये तो एट क्लास का फार्मूला है। अरे पढ़ने ही आए हो, घूमने फिरने आए हो? अरे बहन जी पढ़ने ही आए हैं, क्या पढ़ाई चल रही है? फार्मूला वो भी एट क्लास वाला रिवाइज करा दिया, कागज पे लिख के दे दिया, आज सुन रहा हूं। अब सुनाओ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए, क्या आसान सा काम है। में जितने बैठे हैं ना मुझे एक एक का रिजल्ट चाहिए, नए वालों का नंबर कल है जी पूछने का। आज से मैंने शीट दी थी 11 फार्मूले जो एक्स वाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, वो मैं आपसे एबी के फॉर्म में पूछ रहा था, और इन पर बेस्ड आपके स्कूल में यूटी फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म हर जगह कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन रटा हुआ कुछ आने वाला। तो फार्मूलों को याद करके हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, जो खेल आज हम शुरू करने जा रहे हैं।
इस खेल से पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी 2.3 2.4 में, जिसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। एक रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्टकट मेथड विदाउट लॉन्ग डिवीजन, फाइंड आउट द रिमाइंडर। दूसरा फैक्टर थ्योरम, जिसमें हमने कहा था रिमाइंडर जीरो आए तो फैक्टर, और अगर जीरो नहीं आए तो फैक्टर। और फिर मैंने यहाँ डिवीजन कराई थी आठवीं क्लास की कई क्वेश्चनों में, एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक लॉन्ग डिवीजन, और इन सबका यूज हो रहा है कलेक्टिवली। हम शुरू करते हैं जी। तो आज हम इस चैप्टर की, एनसीईआरटी के चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं, और इस एक्सरसाइज के बाद इस चैप्टर के मैं बहुत सारे असाइनमेंट का डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें से एक कागज मैंने आपको बांट दिया है। तो जिसको लगे कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिसको लगे ज्यादा आता है, तो मैं तो चैप्टर के बाद ही कराऊंगा, बट कागज आपके पास है, आपके घर में समय है आपके पास, ट्राई करना और कोशिश करना तो आपका हक है। और कोई सारा कर ले मेरे से एक और मांग लेना, वो भी कर ले एक और मांग लेना, वो भी कर ले एक और मांग लेना। मेरे पास तो इतने कागज हैं एक एक चैप्टर के कि तुम्हारी नाइन्थ नहीं पड़ जाएगी, लेकिन कागज खत्म होने वाले नहीं। 2.5 NCR. सिर्फ फार्मूलों का यूज। ये जो दो तीन बच्चे नए हैं फार्मूले याद नहीं है, तो शीट आपके पास है वहां से भी देख सकते हैं, मैं भी लिखूंगा फार्मूले। तो हम आज सबसे इस पर काम कर रहे हैं इस चैप्टर की बढ़िया का मतलब, जिससे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर हर स्कूल में, बट सेम सेम आए ये मुश्किल होगा। तो पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज 2.5 फार्मूलों पर बेस्ड है। फार्मूलों को हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, तो वो कह रहा है आइडेंटिटी लगा के से करते हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, और वो कह रहा है कि आप जमा घटा को ठीक कर लो। उन्हें पता है कि नाइन्थ वाले बच्चों की समस्या नाइन्थ नहीं है, उनकी समस्या प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो प्रैक्टिस कराने के लिए एक टाइप के कई कई पार्ट बना रखे हैं, ध्यान से कैलकुलेशन करें। तो मैं करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। वो क्वेश्चन में लिखता है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, और वो कहता है देखो वैसे तो मैं इसको, अरे बचपन में हमें सिखाया गया विदाउट एनी आइडेंटिटी यू कैन मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10। बचपन में बताया गया था इस एक्स को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40 एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों का टोटल होता है 14x प्लस 40। बिल्कुल आंसर ठीक है, लेकिन नंबर मिलेगा 0। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है, नंबर मिलेगा। वो कह रहे ऐसे करना ही नहीं है, ये तो तुम्हारा बचपन है, तुम सीख चुके हो, हम पूछेंगे ही नहीं। आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो, विदाउट आइडेंटिटी कर दिया ना आंसर आने पर भी बेकार है। अरे घर वाले कहें कि इंस्टीट्यूट जाने के लिए इसी गली से जाना है, दूसरे गली में पागल करते हैं, खबरदार बात नहीं मानी, नुकसान होगा। यही बात वो बोल, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना है, आइडेंटिटी लगा के करो। अब वो आइडेंटिटी का नाम नहीं बोलेगा कौन सा, ये तुम्हें क्वेश्चन को देखना है और अपनी आइडेंटिटी अपने माइंड में रखनी है और उससे मैच करना है कौन सी वाली बोले तो 8th क्लास वाली x plus a into x plus, ये एक्सपीरियंस की बात है, कोई कहे यही क्यों लग रही है, तो भैया सारी याद करो, समझ गए जी। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये तुम्हें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज में आइडेंटिटी का खेल और सॉल्यूशन, हालांकि हम ऐसे कर सकते थे बट नाइन्थ में नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये पुरानी वाली रिवीजन कराई थी मैंने। तो जब भी आप कोई आइडेंटिटी लगाए तो आइडेंटिटी पेपर में भी, होमवर्क कॉपी में भी, और मेरी क्लास पर कॉपी में भी लिखना कंपलसरी। बार बार आइडेंटिटी लिखोगे तो उससे आपको जिसको ये कंफ्यूजन है याद करने की बोलने की, तो वो ठीक हो जाएगी बार बार लिखने से। तो आइडेंटिटी क्या चल रही है, x प्लस a इंटू x प्लस b, 8 में भी पढ़ी थी x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन a प्लस b इंटू x प्लस ab होता है।
अब इस क्वेश्चन में बता दूं, एक्स तो मिल गया, प्लस का निशान मिल गया, ये बोले तो एक ही वैल्यू, चार बोले तो, फिर एक्स मिल गया प्लस, ये बोले तो। अब जिसको आइडेंटिटी याद है तो बस इस आइडेंटिटी को अप्लाई करता है, आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स का स्क्वायर एक्स का प्लस एक ही वैल्यू फोर प्लस का निशान। आइडेंटिटी में जो लिखा है बस उसको ताड़ना सिखा रहा हूं, बी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए बोले तो वैल्यू 4, बी बोले तो वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है, आंसर आया। सेकेंड पार्ट एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब देखो मैं इसको आइडेंटिटी को ऐसे लगाता हूं, कुछ बच्चों की जमा घटा की समस्या, फार्मूले के अंदर दोनों जगह प्लस का निशान है तो वो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसकी शक्ल लिख रहा हूं, ये तो एक्स है, मुझे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, प्लस, क्या लगाना है, तो माइनस 10 को ब्रैकेट में लिख सकता हूं, गुस्सा तो नहीं आएगा, लिख सकता हूं एक्स प्लस ये 8 क्या हो गई, ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, और यहां बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 10, बी की वैल्यू, और बिल्कुल शक्ल मैच हो गई फार्मूले से, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसे काम करना है एक्स का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस का निशान ए प्लस बी, अरे ए की वैल्यू बोले हो, प्लस का निशान, बी की वैल्यू माइनस 10। अच्छा बच्चों प्लस माइनस माइनस लिख दूं सीधा, ब्रैकेट क्लोज, अब मुझे लिखना है प्लस ए की वैल्यू बोलो 8, बी की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस बच्चे का नंबर आ गया 8 माइनस 10 कितना होता है, बढ़िया बात, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस 2x, और बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का। अब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, 8 इंटू 10 80 होता है, मैं सिर्फ साइन पूछ रहा हूं इस बच्चे से, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 8 इंटू 10 80 होता है, आंसर आ गया। सारे पार्ट करने हैं जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना जी, थर्ड पार्ट एक ही तो चल, 4 इंटू 3 5। अरे फार्मूला क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां समझो ये जो पहला नंबर है ना, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स है, अरे पहला 3x बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स, और प्लस का निशान आ गया तो ये तो हो गई ए की वैल्यू, क्या हो गई है, बी की वैल्यू के लिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं, अरे बी की वैल्यू के लिए क्या है, यहां मुझे प्लस का निशान चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 5 माइनस 5 लिख दिया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की, तो ए की वैल्यू क्या है, और बी की वैल्यू क्या है, अरे फार्मूले में जो ए लिखा है, ए बोले तो 4, बी बोले तो, और एक्स बोले तो, फार्मूले का एक्स बोले तो 3x, समझ में आ रहा है। अब फार्मूले को देख देख के लिखना है, मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, और फार्मूले का एक्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3x, तो 3x का स्क्वायर, कितनी बात समझ में आई, प्लस का निशान, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 4 प्लस बी की वैल्यू है माइनस 5, अरे लिख दूं, और फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स क्या बोले तो 3x, एक्स बोले तो प्लस का निशान, ए बोले तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 4, और बी बोले तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, बस लिखना है सही, और सही लिख दिया तो फिर कैलकुलेट करना है, तो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। बच्चों पहले सुनो, 4 माइनस 5 होता है माइनस 1, बड़े नंबर का साइन आएगा, 4 माइनस 5 क्या है, माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x आता है, अरे आता है, प्लस इनटू माइनस माइनस होता है 4, 5 4, दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लेकिन ध्यान से, थोड़ा फास्ट, फास्ट।
द पार्ट से बस कैलकुलेशन, वो हर जगह कहीं साइन बदलेगा, नंबर बदलेगा और प्रैक्टिस करवाएगा। 3x + 4 3x - 5। भैया पहला नंबर आपका जो फार्मूले के अकॉर्डिंग x है वो यहाँ क्या है, 3x है। क्या है ये a है, बीच में प्लस का निशान तो ठीक है, लेकिन ये प्लस का निशान होना चाहिए ना, तो इसके लिए मैं इसको एक स्टेप और लिख रहा हूं। ये प्लस का निशान फार्मूले की वजह से बनाया मैंने, और ये माइनस फाइव मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, हमें सिखाया गया प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसा करने से मेरा फार्मूला मैच हो जाएगा, शक्ल मैच हो जाएगी फार्मूले की। शक्ल क्या है, x प्लस a, दोनों के बीच में प्लस है। x प्लस b, देखो दोनों के बीच में प्लस है, होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। और फार्मूले समझ में आ गया, ये वैल्यू a की, ये b की वैल्यू, और ये दोनों क्या है, x का रिफ्लेक्शन। और मैं फार्मूले को देख के लिख रहा हूं, फार्मूले में पहले x का स्क्वायर बोले तो 3x का स्क्वायर, प्लस का निशान, a की वैल्यू 4 है फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस का निशान है मैंने लगा दिया। अब मुझे लिखना है b की वैल्यू, क्या लिखनी है, माइनस फाइव, प्लस माइनस माइनस लगा दू सीधा, अरे प्लस माइनस माइनस फाइव। और अब मुझे लिखनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x, प्लस का निशान, a की वैल्यू क्या लिखनी है 4, b की वैल्यू कितनी है, और कैलकुलेशन 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x, 5 4 का 20, माइनस का निशान लगा दो। तो करो जी अगला पार्ट, अच्छे तो डबल कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, फोर्थ कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आइडेंटिटी वाली तरीके बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं, दो आइडेंटिटी लग सकती है, जो मूड करे लगा देना, नंबर नहीं कटेंगे। एक आइडेंटिटी तो x प्लस a इंटू x प्लस, वो तो तुम्हें समझ में आई गई, मैं दूसरी वाली भी लगा के दिखा रहा हूं, यस a प्लस b इंटू, अरे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस, अरे दोनों नंबर सेम चल रहे हैं, एक जगह प्लस का निशान एक जगह, ये तो पिछले तीन सालों से चल रहा है, इसका फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का। अरे दो आइडेंटिटी लग रही हो तो हमेशा ना छोटे वाले को सिलेक्ट करना चाहिए, समझदारी। तो दोनों में से कोई भी लगाओ, नंबर नहीं कटने वाले, पिछले वाले में तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, वही लगानी थी मेरे को, इसलिए मैंने वो लगाई, यहां मेरे पास चॉइस है तो मैं दोनों में से छोटी वाली लगाऊंगा जिससे जल्दी आएगा। तो पहले नंबर का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, लगा दिया फार्मूला, सॉल्व कर लो, पावर के ऊपर पावर, पावर सर मल्टीप्लाई, तो वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 14, और यही बात दोबारा अंतिम रूप से आखिरी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, 3 - 2x 3+। अरे इस पे भी मैं दोनों आइडेंटिटी लगा सकता हूं, x प्लस a इंटू x प्लस b, या यही वाला फार्मूला, अरे सेम लग रहा है ना, पहला नंबर माइनस दूसरा, पहला नंबर प्लस दूसरा, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी जरूर लिखना, a माइनस b इंटू a प्लस b होता है रामलाल का स्क्वायर माइनस श्याम लाल का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, पास। बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ अपना काम। मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट 103 गुना 107 करके दिखाओ, एक एक बच्चा करेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, थर्ड वाले भी कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से थर्ड वाले करेंगे उस तरीके से तुमने करा तो जीरो मिलेगा, अरे मतलब मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करा तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ये क्वेश्चन आइडेंटिटी लगा के करना है, तो तुम्हारे नंबर है 9 क्लास के, क्या लगा के करना है,
बिना आइडेंटिटी के आंसर आएगा, मिलेंगे नहीं कुछ भी। 103 को बोलते हैं 100+3, 107 को बोलते हैं 100+, और फार्मूला बन गया x+a (x+b) होता है x² + a + b (x+ab) को अप्लाई करना है। यहां पर x बोले तो 100, a की वैल्यू बोले तो 3 और b की वैल्यू बोले तो, अप्लाई करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहले नंबर का स्क्वायर टिंग प्लस का निशान, a बोले तो 3, b बोले तो 7 इंटू x बोले तो, a बोले तो 3 मल्टीप्लाई b बोले तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अरे होता ही नहीं होता, 7 + 3 (10×100) (1000) अरे टोटल करना आता है, आता है 11,021। सारे पार्ट ऐसे होंगे, जल्दी जल्दी या तो 96 को 100 - 5 या चाहो तो 90+5, अरे जो मूड करे लेना, आंसर नहीं बदलेगा लेकिन, लेकिन अगर ये रखोगे ना 100 वाला तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -5 को ब्रैकेट में लेके जाना पड़ेगा। अरे समझ में आ गया ना, तो इस वाले पार्ट में ए की वैल्यू हो गई -5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई -5। ये समझ में आ गया, 90 वाला लोगे तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, बट आंसर सेम रहते हैं जी, जो मर्जी लगा लेना, 100 का स्क्वायर -5 - 4 (100+-5) (-4) 100 का स्क्वायर 10,000, -5 - 4 कितना होता है, -9 × 100 कितना होता है, -9 × 100 कितना होता है, (100) 9 को 100 से गुना करो कितना आएगा, अरे 900 आएगा, 9000 आएगा, लिख दो ना 900। अब -(-) क्या होता है, प्लस, एंड 5 × 4 = 8, जमा घटा करो और आंसर निकालो। अर्जुन पे बैठा, अर्जुन बात करनी है, निकाल लिया जी, क्या आंसर आया, 91। आ गया, करो जी जल्दी जल्दी अगला करो, ऐसे (104×96) (100+4) लिख ले, 100 - 4 लिख ले, a - b (a+b) (a+b) (a - b) (a²) यानी 100 का स्क्वायर माइनस, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर
माइनस करो, फिर बोल रहा है फैक्टराइज करो, आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन में दे रखा है 9x² + 6xy + y², आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज करना है। आपको यहाँ फार्मूला नजर आ रहा है जिसको तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, पहला नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है यानी स्क्वायर जैसा, पहले पर स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर जैसा, आखिरी में स्क्वायर लगा हुआ है बी स्क्वायर जैसा, और बीच वाला लग रहा है 2ab जैसा। अगर ऐसा लग जाए a² + 2ab + b² तो ये होता है a + b² और स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीप्लाई, और दो बार मल्टीप्लाई का मतलब दो फैक्टर दो। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं a² + 2ab + b² होता है a + b का। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश, इधर देखेंगे कुछ नहीं उतारना। मुझे यहां कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 9x² आ रहा है, ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 9x² आ जाए, तो क्या लिखना है? तो ये 3x है, a की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, प्लस मुझे अब चाहिए b का स्क्वायर। ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर y² आ जाए, तो ये y आ गया b की वैल्यू, क्या गई? अरे ये a की वैल्यू आ गई, और ये तो a² + b² ये दोनों आ गए ना। अब तुम्हें पहले से मालूम है क्या चाहिए तुम्हें, +2ab, क्या चाहिए? तो +2 × a कितना है 3x, और b कितना है? अगर ये तीनों एज इट इज ऊपर से मैच हो जाएगा मतलब फार्मूला लग गया, और मैच ना होगा मतलब फार्मूला नहीं लगा। तो 3x का स्क्वायर चेक करो 9x² होता है, y का स्क्वायर y² होता है, 3×2 × xy प्लस का निशान एज इट इज 6xy होता है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई फर्क है? लेकिन नीचे वाले में फॉर्मूला लग गया a² + b² + 2 × a की वैल्यू × b की वैल्यू, यानी ये खेल मैच हो गया है, मैच हो गया है, तो इसका मतलब है a + b² यानी पहला नंबर 3x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का निशान, दूसरा नंबर बोले तो y² लेकिन ये आपने स्क्वायर लगाया है, फैक्टर नहीं हुए भी, फैक्टर के लिए इसको कितनी बार लिखना है, दो बार मल्टीप्लाई करते हुए 3x + y × 3x + y क्वेश्चन हो गया। ये फार्मूला पता है, इसी को अप्लाई कर रहा हूं, मुझे इस फार्मूले में a² बनाना है, क्या बनाना है a², तो मुझे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 9x² आ जाए, तो मैंने ब्रैकेट में अपनी मर्जी से लिख दिया 3x² 9x², तो ये बन गया ब्रैकेट के अंदर वाली a। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए ब्रैकेट के अंदर जिसका स्क्वायर करूं y² आ जाए, तो मुझे पता चल गया y² क्या होता है, y², तो ये क्या बन गया b। अब a² + b² मैच हो गया, अब मुझे चाहिए 2, तो +2 जो मैंने याद करा है 2 × a की वैल्यू × b की वैल्यू, और अगर ये टर्म इससे मैच हो गई मतलब फार्मूला अप्लाई, तो 3×2 = 6 x × y (xy) प्लस कंडीशन मैच हो गया, तो फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab क्या होता है a + a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू का क्या होता है, वहां से देखते लिख रहा हूं बस, और स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई। सारे पार्ट करने हैं जल्दी जल्दी,
जिसका हो गया लाभ क्या? नहीं आंसर नहीं चाहिए, करते जाओ, खाली नहीं बैठना, खुद कोशिश करनी ही होगी। तो सेकंड पार्ट में फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कौन सा लगेगा? साइन देख के पता चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा कोशिश करें, खाली नहीं बैठे, कोशिश करें अगले की, क्योंकि पेपर में रटा हुआ नहीं आएगा। जब एक आइडिया लग गया तो अगले पर जाएं। और y प्लस वन। अब मैं एक बार इसको बताता हूं कैसे पता चला। स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर जैसा लग रहा है। अरे वन और वन के स्क्वायर में कोई फर्क है? तो ये स्क्वायर जैसा ही है। पिछली बार प्लस था तो मैं प्लस टू ए भी बोल रहा था, इस बार माइनस है तो माइनस टू ए भी बोल रहा हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी जैसा लग रहा है। तो फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का। समझ में आया मैं फार्मूला कैसे लिख रहा हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का। अभी अप्लाई करने का काम फिर ध्यान से देखें। जिसको कंफ्यूजन है, मुझे ये फार्मूला बनाने के लिए शक्ल चाहिए, ये वाली शक्ल। जब तक ये शक्ल नहीं बनेगी फार्मूला नहीं लग सकता। इसके लिए मुझे चाहिए कोई ऐसा नंबर ए जिसका स्क्वायर करने पर ही आ जाए। तो ऐसा नंबर ब्रैकेट के अंदर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर ही आ जाए। तो टू वाई ये है ए की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है। प्लस मुझे कोई ऐसा नंबर ब्रैकेट में बी चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर वन आ जाए। तो वन का स्क्वायर वन होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बी, ये बी बोले तो दूसरा नंबर। माइनस का निशान ये अब अपनी मर्जी से लिख लो। टू इंटू पहले नंबर की वैल्यू, अरे पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, लिख दिया। अब चेक करो अगर ये इससे मैच हो रहा है तो फॉर्मूला लग गया। ये मैच बच्चों, माइनस फोर वाई मैच हो गया। तो फॉर्मूला लग गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है? पहला माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। तो पहला वाला क्या है? टू वाई माइनस दूसरा क्या है? वन का होल स्क्वायर। अब मतलब क्या होता है? इसको दो बार लिख लो, दो फैक्टर्स आया। तीसरा पार्ट एक बार देख ले, मैंने लिख दिया क्वेश्चन। देखो पहला नंबर लग रहा है ए स्क्वायर जैसा, दूसरा लग रहा है बी स्क्वायर जैसा, दूसरे के बीच दोनों के बीच में कौन सा निशान है? भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस, लेकिन ऐसे ही मत लगा देना फार्मूला। पहले तो फार्मूला लिख रहा हूं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए। भाई ध्यान से देख, सीधा नहीं लग सकता। मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर ही आ जाए। तो ये है ए की वैल्यू। ये क्या है? माइनस का निशान। कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिससे ये आ जाए। बच्चों वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे किसका स्क्वायर करूं? अंडर आ जाए। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये बी है और ये ब्रैकेट के अंदर ए है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? पहला नंबर ए की वैल्यू माइनस दूसरे नंबर की वैल्यू, फिर पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू। ये समझ में आ गया? आ गया करो।